समझा, हिंदी में बताएं। सर इसका मतलब है कि नखरे का मूल्य कोई नहीं होता। मतलब नखरे करना अच्छी बात होती है। हाँ सर। तुम नखरे करते हो? कभी कभी। किसके सामने? सर पेरेंट्स। पेरेंट्स के सामने क्या नखरे करते हो? सर कोई चीज चाहिए होती है तो शुरू हो जाता हूँ। क्या करते हो? सर या तो मैं सर मुंह बनाने शुरू हो जाता हूँ। कैसे? ये क्या था? ये क्या है? मतलब इतने में ही हो जाता है काम? अगर इसमें नहीं हुआ फिर आगे क्या करते हो? डैडी बुलाओ अब मेरे को, मैं आता हूँ फिर दोबारा। है ये नखरा था कि धमकी थी? हाँ। डैडी कितने हैं? डैडी कहाँ हैं? सर वो। सर ये नखरे ऐसे करता है आपको, मतलब हूल देता है ये? कभी कभी। क्या करता है ये? कभी नखरे करता है, कभी रूठता है। इट्स ऑल इन द गेम, यू नो। इट्स ऑल इन द गेम। ऑल इन द गेम। वेरी गुड। आप भी ऐसे ही करते हो सर? हम भी अपने टाइम पे ऐसे करते थे जी। अच्छा। नहीं, अभी अभी आप किसके सामने नखरे करते हैं? आजकल नहीं करते। नहीं सर, सपोज कीजिए आपने खाने पे मिसेज जी को बोला कि राजमा बनाओ और उन्होंने नहीं बनाया, फिर आप क्या करते हैं सर? बाहर से मंगवा लेते हैं कुछ। आजकल लोग बोलते हैं मेरा रोल मॉडल मेरे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, वो एक्टर है, वो एक्ट्रेसेस है। तुमने यहाँ लिखा है कि मेरे रोल मॉडल हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, क्यों? सर वो मुझे हर वक्त गाइड करते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। और सर मेरी ग्रैंड मदर भी प्रिंसिपल रह चुकी है KV2 में। सर दे हैव गाइडेड मी ऑल डे ऑल टाइम। वेरी गुड। वेरी गुड। ये तो हो गई ग्रैंड पेरेंट्स की बात। आपने लिखा है आपके फेवरेट पॉलिटिशियन जो है वो है लालू प्रसाद यादव जी। क्यों? सर जब देखो सर कॉमेडी करते रहते हैं। अच्छा, कैसे? और हम तुमको कहा था ना, जाओ जाके सेब ले आओ, केले से हमारा क्या होगा। बेटा आपको कुछ कहना है? सर मैं बस यही विश करता हूँ कि यहाँ पर मैं आप सबको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिखाऊं और ये कंपटीशन जीत के जाऊं। बस ऑल द बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही स्माइल करते रहना, बहुत अच्छे लगते हो आप। ऑल द बेस्ट। ओके।